हेलो स्टूडेंट्स, वार्मली वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन बायोलॉजी स्मार्ट क्लासेस। स्टूडेंट्स, इन दिस सेक्शन वी विल लर्न वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक ह्यूमन रिप्रोडक्शन। सो स्टूडेंट्स, आई नीड योर फुल कोऑपरेशन एंड इवन योर डेडिकेशन। सो लेट्स बिगिन हियर। ह्यूमन रिप्रोडक्शन। स्टूडेंट, ह्यूमन रिप्रोडक्शन डिटेल में पढ़ने से पहले हम ब्रीफली जानेंगे कि रिप्रोडक्शन क्या होता है एंड इसके मेन फीचर क्या होते हैं। Let us write here reproduction. Reproduction literally means re means again, and production means to produce. Production means to produce same kind. Friend, reproduction जो है एक type का biological process है और इस process में earth surface का कोई भी organism है वो अपनी ही जैसी एक हूबहू copy करके एक नए organism का फॉर्मेशन करता है। तो जितने लिविंग बींग्स होते हैं तो उनका एक एक मेन फंडामेंटल होता है, तो वो अपनी जैसी एक कॉपी करके अर्थ सरफेस पे छोड़ देंगे जिससे उनकी कंटिन्यूटी जो होगी वो अर्थ सरफेस पे मेंटेन रहती है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं रिप्रोडक्शन। बट स्टूडेंट, इसमें लिखा हुआ है कि सेम काइंड, कहने का मीन्स रिप्रोडक्शन का जो प्रोसीजर है तो इसमें से जो ऑर्गिज्म दूसरा बनेगा वो एक ही जैसा बनेगा। कहने का मीन्स यहाँ पे ये बनेगा, जैसे मान लो एलिफेंट है तो एलिफेंट से एलिफेंट ही बनेगा, डॉग से डॉग बनेगा, और कह दो कि डॉग से कोई अदर एनिमल्स बन जाए वो नहीं होगा। दैट मीन्स क्या, वो सेम काइंड प्रोड्यूस कर रहा है। अभी मैंने बोला कि रिप्रोडक्शन जो है एक टाइप का बायोलॉजिकल प्रोसेस है, तो इस प्रोसेस में कौन कौन से फीचर्स होंगे वो इन्वॉल्व होंगे। सो लेट्स हैव अ लुक हियर द मेन फीचर ऑफ रिप्रोडक्शन। स्टूडेंट्स, रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में आरएनए एंड some protein association, chemical substances का synthesis होता है। synthesis होता है। स्टूडेंट, अभी हमने बताया कि रिप्रोडक्शन का जो मेन फीचर होगा है उसमें से आरएनए और कुछ प्रोटीन एसोसिएशन केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जिनका सिंथेसिस होता है। नाउ इसका सेकंड में होगा स्टूडेंट्स डीएनए डुप्लीकेशन। कहने का मीन्स है कि जो डीएनए है तो डीएनए का रेप्लिकेशन होगा। स्टूडेंट, एज यू नो, आपको पता होगा कि डीएनए जो होता है एक टाइप का हेरिडेटरी मटेरियल होता है और ये जो पेरेंट होता है उसकी इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर लेता है और एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कंटिन्यू ये ट्रांसफर होता रहता है। तो यहाँ पे एक वर्ड दिया गया है डीएनए डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन मीन्स होता है रेप्लिकेशन। इसका मीन्स है कि जो ओल्ड डीएनए होता है वो न्यू डीएनए में कंटिन्यू कन्वर्ट होता रहता है और ये प्रोसेस जो होता है वो कंटिन्यू होता रहता है। जो ओल्ड डीएनए होगा वो न्यू डीएनए में कन्वर्ट होता रहेगा। नाउ अब रेप्लिकेशन का जो थर्ड फीचर है सेल डिवीजन। स्टूडेंट, रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में जो ऑर्गेनिज्म होगा तो उसकी बॉडी में कंटिन्यू सेल डिवीजन होगा और सेल डिवीजन होने के बाद में सेल की ग्रोथ होगी। मैंने बताया कि इसमें जो ऑर्गिज्म होगा तो उसकी बॉडी में कंटिन्यू बॉडी फॉर्मेशन में कंटिन्यू सेल डिवीजन होगा और सेल डिवीजन होने के बाद में सबकी ग्रोथ होती जाएगी। तो ये भी प्रोसेस जो है वो रिप्रोडक्शन के फीचर में इंक्लूडेड है। नाउ अब इसके बाद में सेल डिवीजन के बाद में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होता है।
सेल डिवीजन के बाद में जितने भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं ऑर्गेनिज्म्स के, वो सब बन जाएंगे। तो इसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कंप्लीट बन जाएंगे, फिर उसके बाद में जो होगा वो कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनकर तैयार हो जाएगा जो अर्थ सरफेस पे सर्वाइवल करेगा। तो आई होप आपको रिप्रोडक्शन के बारे में समझ में आ रहा होगा। तो मैंने बताया कि रिप्रोडक्शन जो होता है ये एक टाइप का बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है। तो इस प्रोसेस में जो अर्थ सरफेस का ऑर्गेनिज्म है वो मरने से पहले अपनी ही जैसी एक हुबहू कॉपी करके अर्थ सरफेस पे छोड़ देता है, जिससे उसकी कंटिन्यूटी जो होती है वो और सरफेस पे मेंटेन रहती है, और उसे हम रिप्रोडक्शन कहते हैं, या एक टाइप का बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है। तो बायोलॉजिकल प्रोसेस में कुछ फीचर्स हैं जिनके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। तो पहला क्या है, इसमें आरएनए एंड सम प्रोटीन एसोसिएशन केमिकल सब्सटेंसेस का सिंथेसिस होता है। नाउ अब इसमें जो सेकंड फीचर है डीएनए डुप्लीकेशन। तो डीएनए जो है एक टाइप का जेनेटिक मटेरियल है जो पेरेंट्स की इंफॉर्मेशन को एक कोड के फॉर्म में स्टोर कर लेगा और एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कंटिन्यूस को ट्रांसफर करता रहता है। तो डीएनए डुप्लीकेशन का मींस है कि जो ओल्ड डीएनए होगा वो न्यू डीएनए में कंटिन्यू चेंज होता रहेगा। नाउ अब इसके बाद में जो इसका थर्ड फीचर है सेल डिवीजन। तो इसमें रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में जो सेल डिवीजन होगा कंटिन्यू होता जाएगा और सेल की ग्रोथ हो जाएगी, फिर उसके बाद में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का फॉर्मेशन हो जाएगा और लास्ट में एक नया ऑर्गेनिज्म जो होगा वो बनकर तैयार हो जाएगा और ये अर्थ सरफेस पे अपनी कंटिन्यूटी को मेंटेन रखता है। ये रिप्रोडक्शन होता है। स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस कर रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन स्टूडेंट आपको पता होगा कि ह्यूमन जो है एक हायर वर्टिब्रेट है और ये यूनिसेक्सुअल एनिमल है। मैंने आपको बताया कि ह्यूमन जो है ये हायर वर्टिब्रेट है और ये यूनिसेक्सुअल है। यूनिसेक्सुअल ह्यूमन यूनिसेक्सुअल एनिमल है, यूनिसेक्सुअल एनिमल है। इसका मीन्स है कि इनमें देखिए इनमें जो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म है वो क्लियर है। तो यूनिसेक्सुअल मीन्स क्या कि इनमें या तो मेल वाला गुनाड प्रेजेंट होगा या तो फीमेल वाले गुनाड इसमें प्रेजेंट होंगे। तो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म जो है ह्यूमन में क्लियर है। दैट मीन्स क्या कि इसमें इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो मेल है या फीमेल है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बेस पे। तो ह्यूमन में सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म जो है वो क्लियर है। अब यहां से हम स्टडी करने वाले हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में। स्टूडेंट आपको पता है कि जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन है तो उसमें ह्यूमन रिप्रोडक्शन में देखिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इंक्लूड है, उसके बाद में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इंक्लूड है। इसका मीन्स है कि अभी हमने आपको बताया कि उसमें जो है सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म जो है वो क्लियर है। तो मेल का एक्सटर्नल फीचर अलग होगा और फीमेल का जो एक्सटर्नल फीचर है वो अलग है। तो हम आज के टॉपिक में डिस्कस कर रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन। दैट मीन्स क्या कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को इंक्लूड किया गया है एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को इंक्लूड किया गया। बट आज की क्लास में केवल हम डिस्कस करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। सो लेट्स ड्रॉ द कंप्लीट डायग्राम ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। स्टूडेंट पहले हम यहाँ पर एक जर्नली सा डायग्राम ड्रॉ करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। आप उसमें देखेंगे कौन कौन से ऑर्गन्स को इसमें इंक्लूड किया गया है और इनके अलग अलग कौन कौन से फंक्शंस हैं। सो लेट अस ड्रॉ द कंप्लीट डायग्राम ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। लुक एट द व्हाइट बोर्ड क्लियरली। स्टूडेंट ये यूरिनरी ब्लैडर है। तो ये ब्लैडर जो है किडनी के अंदर जो यूरिन बनी हुई है उसको ये रिसीव कर रहा है थ्रू द यूरेटर से। अब ये मेल का यूरेथ्रा है जो स्टूडेंट ये मेल का यूरेथ्रा जो होता है अप्रॉक्सीमेटली ये 20 सेंटीमीटर होता है जिसके थ्री पार्ट्स होती हैं प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा एंड द पेनाइल यूरेथ्रा। लास्ट इसकी ओपनिंग जो है ये लास्ट ओपनिंग जो है इसकी यूरेथ्रल ओराफाइस यूरेथ्रल ओराफाइस एंड जेनिटल ओराफाइस। अब यहाँ से देखिए ये किडनी से यूरेटर अराइजिंग कर रहे हैं। यूरेटर जो है ये किडनी से यूरिन को लेकर यूरिनरी ब्लैडर में ड्रेन कर रहे हैं और इनकी ओपनिंग जो है ट्रायंगल फॉर्म में है। ये वन पेयर ऑफ यूरेटर हैं। तो ये यूरेटर आफ्टर ब्लड
फिल्ट्रेशन के बाद में, ब्लड फिल्ट्रेशन के बाद में जो यूरिन बन रही है, तो उस यूरिन को ये किडनी से यूरेटर लेकर यूरिनरी ब्लैडर में इसको ड्रेन कर रहे हैं। अब यहाँ से स्टूडेंट आपको याद होना चाहिए कि मेल में इसमें यूरिन यूरिन भी यूरेथ्रा से पास हो रही और सीमेन भी यहीं से पास हो रहा है, यानी कि दोनों दोनों रूट मेल में एक ही है। तो अब यहाँ से देखेंगे मेल का मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिन्हें हम टेस्टिस कहते हैं, तो ये मेल का मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जो टेस्टिस हैं। तो टेस्टिस का जो साइज होता है वो ओवल शेप्ड है और ये एब्डोमिनल कैविटी के बाहर पेल्विक रीजन में बिटवीन द टू लेग्स में, लेग्स के बीच में और स्क्रोटम के अंदर ये सिचुएटेड है। अब ये जो टेस्टिस हैं तो टेस्टिस से अराइजिंग कर रही है क्वाल्ड स्ट्रक्चर, ये जो क्वाल्ड स्ट्रक्चर है ये इपिडिडाइमस है, ये सुपर क्वाल्ड है और इसकी जो लेंथ होगी 6 to 7 meters होती है। अब यहाँ से आगे मूव कर रही है, जब ये आगे मूव करेगी ये वॉस डिफरेंस से होते हुए यूरेटर में जाके ये ट्राइंगल्ड हो जाएगी, इंटैंगल्ड, और आगे जाने के बाद में ये थोड़ा सा सॉलिन हो जाएगी और ये एम्पुलरी रीजन बनाती है। अब यहाँ देखिए यहाँ से इंटैंगल हो रही है, इंटैंगल, अब यहाँ पर एक सॉलिन हो जाएगी थोड़ी सी और ये एम्पुलरी रीजन बनाएगा, दैट मीन्स क्या ये एम्पुला रीजन, और फाइनली ये एग्जाकुलेटरी डक्ट में जाके ये ऐसे ओपन हो जाएगी। अब ऐसे ही हम यहाँ से ऐसे बनाएंगे, एपिडिडाइमस है इसकी, एपिडिडाइमस इंटैंगल्ड हो रही है, इंटैंगल्ड हो रही यूरेटर में, अब यहां से एम्पुलरी रीजन बन रहा है। इन दिस वे ये डायग्राम जो है स्टूडेंट ये केवल अंडरस्टैंडिंग के लिए है, एम्पुलरी रीजन यहां से भी बन रहा है और ये एग्जाकुलेटरी डक्ट में फाइनली जाके ये ओपन हो जा रही है। स्टूडेंट रिप्रोडक्शन में कुछ एसोसिएटेड ग्लैंड्स होती हैं, तो आप इन ग्लैंड्स में से जो वन पेयर ग्लैंड है ये सेमाइनल वेसिकल्स हैं, तो सेमाइनल वेसिकल जो होती हैं ये वन पेयर होती हैं और ये सीमेन के प्रोडक्शन में हेल्प करती हैं। फिर देखिए इसके लोअर पोर्शन में एक प्रोस्टेट ग्लैंड प्रेजेंट है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये भी सीमेन के प्रोडक्शन में हेल्प करती है। फिर एक और वन पेयर ग्लैंड्स होती हैं, ये बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड होती हैं। तो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड आल्सो कॉल्ड कॉपर्स ग्लैंड। अब ये स्टूडेंट ये जो है मेन का जो मेल पर्सन है उसका मेन कॉपुलेटरी ऑर्गन है जिसे पीनस कहते हैं, ये पीनस है और ये आगे जाने के बाद में देखिए थोड़ा सा एक कैप जैसा स्ट्रक्चर बना रहा, ये ग्लैंड्स ऑफ पीनस होता है। अब ये इसके क्या हैं, ये सब इसके ब्लड वेजल्स हैं और ये इसका टिश्यू भरा हुआ है। लेट अस लेबल द पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फर्स्ट यूरेटर यूरिनरी ब्लैडर इज हियर, एम्पुलरी रीजन दैट मीन्स क्या कि वॉस डिफरेंस आगे जाके यहाँ पे स्वॉलन हो रही है और ये एम्पुलरी रीजन को बना रही है। एम्पुलरी रीजन सेमाइनल वेसिकल्स ये वन पेयर हैं जो सीमन के प्रोडक्शन में हेल्प कर रही हैं। ओनली वन प्रोस्टेट ग्लैंड ये एक रहती है, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड
बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स ऑल्सो कॉल्ड काउपर्स ग्लैंड। स्टूडेंट्स ये जो ग्लैंड है एसोसिएटेड ग्लैंड्स है जो सीमेन के प्रोडक्शन में हेल्प करती हैं। सेमिनल वेसिकल्स वन पेयर है, प्रोस्टेट ग्लैंड एक है और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जो है ये वन पेयर है। तो ये क्या है, एसोसिएट ग्लैंड है जो सीमेन के प्रोडक्शन में हेल्प कर रही हैं। नाउ मेल का जो मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है टेस्टिस एक है। देखिए अगर एक टेस्टिस होगा तो TESTIS लिखेंगे। अब यहां से इसको कवर्ड कर रही है, एराइजिंग यहां से करेगी एपीडी डायमोस। ये सुपर क्वाइल्ड स्ट्रक्चर से जिसकी लेंथ जो होगी 6 to 7 meters होगी और इसके 3 parts डिवाइडेड होंगे। वॉस डिफरेंस है, वॉस डिफरेंस द पीनस मेन कॉपुलेटरी ऑर्गन ऑफ मेल पीनस द ग्लांस ऑफ पीनस द ग्लांस ऑफ पीनस यूरेथ्रा इज ओपनिंग हेयर एंड यूरिनो जेनाइटल ओपनिंग इज हेयर। स्टूडेंट्स ये कंप्लीट डायग्राम जो है ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स को इंक्लूड किया गया है, फर्स्ट इसमें होगा वन पेयर ऑफ टेस्टीज। तो ये टेस्टीज जो होते हैं एब्डोमिनल कैविटी के बाहर पेल्विक रीजन में स्क्रोटम के अंदर प्रोटेक्ट होते हैं। तो मेल का जो मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वो वन पेयर ऑफ टेस्टीज हैं। अब उसके बाद में देखिए टेस्टीज के ऊपर से अराइजिंग कर रहे हैं इपीडीडायमस। तो इपीडीडायमस जो होती है वो वन पेयर होती है और ये सुपर क्वाइल्ड होती हैं और इनकी जो लेंथ होती 6 to 7 meters होती है जिनके 3 parts होते हैं। जो इसका एंटीरियर पार्ट होगा वो कैपट कहलाएगा, जो मिडिल वाला पार्ट होगा वो कॉर्पस कहलाएगा एंड इसका जो पॉस्टर पार्ट होगा उसे हम कॉडा बोलेंगे। तो ये सारे इसके पार्ट होते हैं। अब इसके बाद में देखिए वॉस डिफरेंस है, तो वॉस डिफरेंस होती है यहाँ से आगे निकलने के बाद में यहाँ सोयलन हो जाएगी, ये एम्ब्रियो रीजन कहलाएगा एंड फाइनली ये ओपन हो रही है एक डक्ट में। दिस डक्ट इज कॉल्ड एक्साकुलेटरी डक्ट। लेट मी लेबल हियर एक्साकुलेटरी डक्ट। तो ये डक्ट जो है जब इसमें सीमेन बन जाएगा और ये स्पर्म को साथ में लेकर आएगी। अब यहाँ से देख रहे हैं इसमें कुछ एसोसिएट ग्लैंड है जो रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रही हैं। तो एसोसिएट ग्लैंड्स में वन पेयर ऑफ सेमिनल वेसिकल्स हैं जो सीमेन के प्रोडक्शन में हेल्प कर रही हैं। एक इसमें प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये भी सीमेन के प्रोडक्शन में हेल्प कर रही है। फिर इसमें वन पेयर और ग्लैंड है जिनका नाम बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स हैं। तो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड ऑल्सो कॉल्ड काउपर्स ग्लैंड। फिर यहाँ से देखिए मेल का यूरेथ्रा अराइजिंग कर रहा है, तो मेल का यूरेथ्रा जो होता है इसकी लेंथ अप्रॉक्सीमेटली 20 centimeters होती है जिसको 3 parts में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट होगा प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, सेकेंड होगा मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा एंड थर्ड पार्ट जो होगा इसका पेनाइल यूरेथ्रा होगा। फिर देखिए यहाँ से पीनस निकला हुआ है, तो ये पीनस जो होता है मेन का जो मेन पर्सन है मेल, तो मेल का जो मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन है वो पीनस है। तो ये पीनस जो एक सिलेंड्रिकल ऑर्गन्स है। फिर आगे जाके कैप जैसा स्ट्रक्चर बना रहा है जिसे हम ग्लैंड्स ऑफ पीनस कहते हैं। फिर यहाँ से यूरिनोजेनाइटल और ऑरिफाइस की ओपनिंग हुई है। आई होप आपको जो है ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम समझ में आ गया होगा। अब इसके बारे में हम डिटेल में 1 by 1 डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से पार्ट इसमें इंक्लूडेड हुए हैं और इनका कौन कौन सा फंक्शन है। सो पहले यहाँ एक हम फ्लो चार्ट बनाएंगे और उस फ्लो चार्ट के थ्रू इसको हम स्टडी करेंगे। स्टूडेंट दिस टॉपिक इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। तो ये जो टॉपिक है ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है और ये पूरा जो सिलेबस है ऑन द बेस्ड ऑफ एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी का जो कंप्लीट डायग्राम अभी मैंने बनाया था और इसके जितने भी टर्म्स मैं यूज़ कर रहा हूँ ये फुली एनसीईआरटी बेस्ड पे है, तो इसीलिए इसको आप अच्छे से समझिएगा। तो अब यहाँ से हम देखेंगे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स को इंक्लूड किया गया एक चार्ट के थ्रू। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम
मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इंक्लूड्स फॉलोइंग ऑर्गन्स. नाउ फर्स्ट प्राइमरी रिप्रोडक्टिव प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. एंड जो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो मेन ऑर्गन्स हैं और इन्हें हम गोनाड्स कहते हैं. गोनाड्स. तो ये स्टूडेंट जो ये गोनाड्स है तो ये गोनाड टर्म जो है हम यूज करेंगे मेल की केस में वन पेयर ऑफ टेस्टिस के लिए, और अगर फीमेल का केस है तो उसमें वन पेयर ऑफ ओवरीज के लिए गोनाड टर्म यूज करेंगे. अब इसके बाद में आता है जो ये प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं तो उनकी हेल्प करने के लिए कुछ और ऑर्गन्स होते हैं जो रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रहे हैं प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को. तो इनका नाम होगा सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. तो सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में कौन कौन से ऑर्गन्स को इंक्लूड किया गया?